इसकी ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और धरती पे रहने के लिए मुझे अपनी शक्तियाँ हमेशा के लिए हासिल हो जाएंगी। मुझे कुछ भी करके गायब होने की कोशिश करनी ही पड़ेगी और खुद को बचाने के लिए इस प्रेडेटर पर पीछे से अटैक करना होगा। ओह नो, अब तो मेरे पास गायब होने की भी एनर्जी नहीं बची। थोड़ी देर में ये प्रेडेटर मेरी सारी एनर्जी गायब कर देगा। सबसे पहले तो मुझे खुद को इस हंटर से फ्री करना होगा, लेकिन कैसे? जाओ यहाँ से। गोभी मक्खी। गुस्सा मत करो नन्हे, क्योंकि ये कोई मक्खी नहीं, एक योजना है। हम तैर नहीं सकते, उड़ तो सकते हैं। मुझे लगता है कि तुम भूल गए हो कि यहाँ पे तुम्हारी मैजिकल पावर्स नहीं चल रही, तो उड़ने के सपने क्यों देख रहे हो? मैं जादुई शक्तियों से उड़ने की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एक विमान बनाने की। ओह रियली? लेकिन माय डियर बालवीर, तुम ये ख्याली एरोप्लेन बनाओगे कैसे? नारियल के पेड़ से? जब भगवान मुसीबत देते हैं तो उस मुसीबत को हल करने के लिए रास्ता भी खुद ही देते हैं। वो देखो, वो रहे विमान के हिस्से। तुम कुछ ज्यादा ही ओवर एंथो नहीं हो रहे? प्लेन को चलाने के लिए पावर कहाँ से लाओगे? स्माइल क्यों दे रहे हो? आंसर दो, कैसे उड़ाओगे प्लेन? आलू से। आलू से? वो देखो, आलू की कितनी बड़ी फसल है यहाँ पर। तुम्हारे दिमाग का भरता बन गया है क्या? आलू से प्लेन कैसे उड़ाओगे? जैसे एक एटम बम के अंदर कई सारी रासायनिक प्रक्रिया होती है जिससे उसके अंदर ऊर्जा पैदा होती है, उसी तरह आलू के अंदर भी हमेशा रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती रहती है। उसी का फायदा उठाकर हम ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। ये विज्ञान है अनन्या, अगर रिंकू यहाँ पर होता तो इस बात पर पूरा एक लेक्चर दे चुका होता, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। अच्छा, तो चलो साइंस भी ट्राई कर लेते हैं। बालपरी, आपने ये पानी का जहाज क्यों बनाया? उसी कारण से जिस कारण से तुम्हें विवान का रूप दिया गया है। यानी तिमनासा को धोखा देने के लिए? हाँ डुबा डुबा, ये नाव सिर्फ एक छलावा है। तिमनासा इस नाव को जरूर देखेगी और उसे नष्ट करने यहाँ जरूर आएगी। और उधर विवान बिना किसी अड़चन के त्रिनेतिका को ढूंढ पाएगा। बस अब तिमनासा का इंतजार है, जल्द ही वो यहाँ आ जाएगी इस नाव पर हमला करने के लिए। तिमनासा, ये बालपरी कौन सी नई चाल चल रही है? बालपरी की कोई चालाकी यहाँ पर काम नहीं करेगी भैमार, क्योंकि जिस पद्म कवच को मैं नहीं तोड़ सकती उसे बालपरी क्या तोड़ेगी। लेकिन वो जो बोट यहाँ से दिख रही है वो एक्चुअली में क्या है? ये तो वहीं जाकर पता चलेगा। अरे मुझे तो लेकर जाओ। बालपरी, तुम इस जहाज को चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना बना लो, लेकिन फिर भी तुम मेरे बनाए हुए इस सुरक्षा कवच को तोड़ नहीं पाओगी और ना ही बालवीर और अनन्या को बचा सकोगी। Thank you.
दबड़ अगर तुम लोगों ने हमसे हाथ जोड़कर भीख मांगी होती ना तो शायद हम तुम्हारा ये शिप छोड़ देते, ताकि तुम लोग अनन्या और बालवीर की लाश अपने साथ ले जा सको। लेकिन माफ करना बालपरी, हम काल लोक वालों के अंदर तो दया की एक बूंद तक नहीं होती। तिम्नासा को भटकाने की चाल कामयाब हो गई। काल लोक वालों के दिल में एक भी दया की बूंद नहीं होती है तो सब जानते। अरे आज पता चला कि उनके सिर में तो एक दिमाग का टुकड़ा भी नहीं है। परियो, अपनी हंसी पर नियंत्रण रखो, अभी खतरा समाप्त नहीं हुआ है। कहीं वो ऊर्जा भक्षक डर के भाग तो नहीं गया? लगता है भाग गया। तो ये है तुम्हारा असली चक्कर। अब तो मैं तुम्हें कहीं भी ढूंढ लूंगा प्रेडेटर और ऊर्जा भक्षक और त्रिनेत्र को। ये लो, अब बना लो पावर। अरे अनन्या, इतने से कुछ नहीं होगा, हमें तो ढेर सारे आलू चाहिए क्योंकि हमें विमान उड़ाना है, बल्ब नहीं जलाना। चलो काम पे लग जाओ। मुखिया जी, अब वो समय आ चुका है, अब मुझे त्रिनेत्री क्रो का पता बताइए। देखो बालवीर, आपने अभी तक अपना वादा पूरा नहीं किया है क्योंकि आप अब तक हमारे बच्चों को ढूंढ नहीं पाए हो। देखें, आप सबके बच्चे उस त्रिनेत्र क्रो के पास ही है और जिसे आप सब ऊर्जा भक्षक समझ रहे थे वही त्रिनेत्र क्रो है। ओए ऊर्जा भक्षक और प्रेडेटर, क्या हमेशा कायरों की तरह छुप कर वार करते हो? अगर हिम्मत है तो सामने आओ। क्या हुआ? अरे ओ प्रेडेटर, कब तक मुझसे लुका छुपी खेलोगे? हाँ तुम तो मेरे सामने बिल्कुल एक मच्छर हो कायर कहीं के। मुझे तुम्हारी वीकनेस मिल गई है। अब तक मुझे लग रहा था कि तुम मेरे पीछे पड़े, लेकिन अब मुझे पता चला है कि एक्चुअली मैं तुम्हारे पीछे पड़ा, क्योंकि तुम ही हो वो
त्रिनेत्र क्रोध, इसलिए तो तुम स्केयर क्रो से डर गए। मैं आप सबके लिए एक प्रमाण लाया हूँ। प्रमाण? कैसा प्रमाण? एक मिनट। हे त्रिनेत्र क्रो का पंख, मुझे ऊर्जा भक्षक का पीछा करते हुए मिला। ठीक है बालवीर, मैं आपको उसका पता बता रहा हूँ। इस जंगल के बीचों बीच एक ऐसा गुप्त स्थान है जहाँ पे त्रिनेत्र काग का घोंसला बना हुआ है। थैंक यू मुखिया जी, आपने ये एड्रेस बताकर सिर्फ अपने बच्चों की ही नहीं बल्कि दुनिया भर के बच्चों की जान बचाई। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बालवीर, आज तक वहाँ कोई नहीं पहुँचा है क्योंकि त्रिनेत्र काग ने अपने घोंसले के आस पास बहुत से छुपे हुए जाल बिछा रखे है। फिकर नॉट, जाल तोड़ने में तो मैं माहिर हूँ, और सूरज डूबने से पहले त्रिनेत्रा को ढूंढना होगा, नहीं तो दीपू भैया उस डूबते आइलैंड के साथ डूब जाएंगे। कबीले का मुखिया ने मुझे यही जगह बताई थी। अब मुझे इस मंदिर से गायब मुड़ना है। आई थिंक अब मुझे त्रिनेत्रा को ये किस चीज ने मुझे आकर टक्कर मारी? अरे ये क्या चीज है जो मुझे दिखाई नहीं दे रही? ये जरूर ऊर्जा भक्षक का कोई ट्रैप है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी उस तक पहुंचे। लेकिन मैं भी मार खाकर घर जाने वालों में से नहीं हूं। जो चीज दिखाई नहीं दे रही उस खतरे से लड़ने में मुझे अपनी आंख बंद करनी होगी। बस इतने आलू काफी है, चलो चलते हैं। बालवीर ये आइलैंड अबॉर्ड नहीं रहेगा। जो हुआ उसे बुरा सपना समझकर भूल जाओ अनन्या। विमान चलाने के लिए अब हमारे पास जरूरी सामान आ गया है। शार्क और इस डूबते हुए आइलैंड से हम बचकर आसमान में उड़ेंगे, इसलिए चिंता मत करो और मुस्कुराओ। बिना जादुई शक्तियों के जिंदा रहने के लिए बालवीर को ऐसे तड़पता हुआ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये सोचो तिमनासा, अब इस दुनिया के रक्षक बालवीर जब मछलियों के पेट का खाना बनेगा तो और कितना मजा आएगा। बालपरी, तिमनासा तो चली गई, तो फिर अपने फिर से ये नाव क्यों बनाई है? तिमनासा चली तो गई है, लेकिन वो बहुत ही चालाक है, वो जरूर लौट कर वापस आएगी, ये देखने के लिए कि कहीं हमने बालवीर को बचा तो नहीं लिया। और जब वो वापस आएगी उसकी आंखों में धूल झोंकने के लिए हमने ये पनडुब्बी बनाई। ये बालपरी भी बहुत स्टबर्न है,
अभी अभी हम उसकी उम्मीदों का शिप डुबा गए और उसने सबमरीन बना लिया। बौखलाहट में लोग अक्सर ऐसी बेवकूफी की बातें करते हैं रे। कोई बात नहीं, बालपरी के ऊपर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि वो कुछ भी कर ले पद्म कवच वो नहीं तोड़ पाएगी। मेरी सलाह मानिए, आपको कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहिए बल्कि उस पनडुब्बी को पानी में डुबा देना चाहिए। क्यों बनानी, सही कहा ना मैंने? बनानी, बनानी कहाँ खो गई? कोई तिमनास, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? चलिए चल के इन परियों के होप को फिर से तोड़ देते हैं, बहुत मजा आएगा। बालपरी जिद्दी तो है लेकिन बेवकूफ नहीं भैमर। ये पता होते हुए भी कि पद्म कवच को इतनी आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, फिर भी वो पनडुब्बी क्यों बनाएगी? आलू और सोलर पैनल को यूज करके तुमने एनर्जी तो प्रोड्यूस कर ली, अब जल्दी से प्लेन भी उड़ा दो। चलो, मतलब तुम खड़े खड़े सिर्फ ऑर्डर ही दोगी, कोई काम नहीं करोगी? हाँ तो ऑर्डर देना भी तो एक काम होता है ना। CM, CEO क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं। अब वैसे भी मैं इतनी देर से वेट कर रही हूँ तो वो भी तो एक काम हुआ। ये रनवे तो डूब गया, अब क्या करेंगे? हाँ तो तुम खड़े खड़े वेट करो, मैं कुछ सोचता हूँ। रनवे टूट गया तो क्या हुआ, हाईवे तो है हमारे पास। जंगल का ये कॉर्नर बहुत अजीब है, यहाँ पेड़ों में हवा बहने की आवाज नहीं सुनाई दे रही है, पत्तों पर मेरे कदमों की आहट नहीं सुनाई दे रही है। कहीं मेरी मैजिकल पावर के साथ मेरे सुनने की पावर भी तो कम नहीं करती उस प्रेडेटर ने। मुझे खुद अपनी वर्ड सुनाई नहीं दे रहे हैं, दैट मीन्स मैं उस प्रेडेटर के चक्रव्यूह में बिल्कुल सेंटर में आ चुका हूँ। अब क्वेश्चन ये है कि क्या मैं ये चक्रव्यूह तोड़कर और प्रेडेटर को फोड़कर निकलूंगा? बहुत अजीब सिचुएशन है, पहले प्रेडेटर दिखाई नहीं दे रहा था और अब सुनाई नहीं दे रहा है। इतना बड़ा पत्थर मेरी तरफ आया और आहट तक नहीं हुई मुझे। बिना साउंड के मैं इस जगह पर होने वाले डेंजर को कैसे समझ पाऊंगा? जंगल के साउंड प्रूफ एरिया में मैं खुद को इन चट्टानों से कैसे बचाऊं? अच्छा तो ये चक्कर है,
मैं जिस तरफ जाता हूँ चट्टाने उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से अटैक करती है, जिसका मैं फायदा उठा सकता हूँ। पहले तो चट्टान फेंक कर मारने की कोशिश की और अब ये चट्टान की साइज का फूल। सीन क्या चल रहा है प्रेडेटर का? ये तो चीटिंग है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.